नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताजा तरीन खबरें। अब एक नजर खबरों की तरफ। मेनगर ग्राम सभा मुस्तफाबाद के प्राथमिक विद्यालय के पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण यादव ने संघर्ष करके विद्यालय की सूरत बदल दी है। पहले विद्यालय की स्थिति जर्जर थी। राजनारायण यादव ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर विद्यालय की दुर्दशा से अवगत कराया था। अधिकारियों ने पत्र को सही पाया और स्कूल की दुर्दशा को सुधारने का निर्देश दिया, जिससे विद्यालय का टाइलीकरण, रसोई घर, विद्यालय के फर्शों की मरम्मत, रैंप बनना, स्कूल का सुंदरीकरण का कार्य पूरा हुआ, जिससे छात्रों, ग्रामवासियों और विद्यालय के कर्मचारी गणों में खुशी की लहर है। राजनारायण यादव ने कहा कि मैंने स्कूल की स्थिति को देखा, छात्र छात्राओं की समस्या को देखा, मैंने सोचा कि अपने गाँव की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जाए और मैंने विभिन्न विभागों को पत्र लिखा जिसमें विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ। मैं ग्रामवासियों, छात्र छात्राओं, विद्यालय के कर्मचारी गणों, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नारायण यादव जी, आपने अपने संघर्ष के दम पर अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में मेनगर की सूरत बदल दी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैंने स्कूल की स्थिति देखी और स्कूल की स्थिति जो है बहुत ही जर्जर थी और मैंने सोचा कि छात्रों के भविष्य के लिए, गांव के विकास के लिए कुछ किया जाए। तब मैंने निर्णय लिया और विभिन्न विभागों को पत्र लिखा और विभागों ने मेरे पत्र को सही पाया और इस पर निर्णय दिया कि स्कूल में निर्माण कार्य करवाया जाए, और जिसका परिणाम यह हुआ कि स्कूल की सूरत बदल गई और लोगों में खुशी है, छात्रों में और ग्रामवासियों में हर्ष की लहर है। और मैं इस विषय पर मीडिया को, पंचायती राज विभाग को, उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और DM सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के बदौलत मेरा संघर्ष रंग लाया और मैं इसी बात पे अपनी बात